नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया बीके आरोग्य में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त, एक बहुत ही कॉमन, एक ऐसी समस्या के बारे में जिसको बहुत से लोग समस्या मानते ही नहीं है, और उस समस्या का नाम है मोटापा। मोटापा खुद में एक रोग है और बहुत सारे रोगों का कारक भी है। ज्वाइंट प्रॉब्लम की बात करें, एक बड़ी वजह मोटापा का है। एक्स्ट्रा वेट की वजह से आपके जॉइंट्स पे लोड पड़ता है और जोड़ आपके कमजोर होते हैं, आपकी जोड़ों की समस्या होती है। हार्ट प्रॉब्लम की बात करें, हार्ट प्रॉब्लम की बड़ी वजह मोटापा है। डायबिटीज की बात करें, डायबिटीज की बड़ी वजह मोटापा है। आपके थायराइड प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, गर्भावस्था से संबंधित समस्याएं या इस तरह की बहुत सारे और दिक्कतें जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है वो मोटापे से होती हैं। वहीं अगर मेंटल प्रॉब्लम्स की बात करें तो सेल्फ एस्टीम का कम होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस का कम होना, सामाजिक स्वीकारता में कमी आना, एक हीन भावना की या एक मानसिक तौर पे डिस्टर्बेंस की दिक्कत पैदा होना, ये सभी मोटापे से होता है। तो मोटापा खुद में एक रोग है और कई रोगों का कारक है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से लोग तो मोटापे को अच्छा मानते हैं कि हमारे हम खाते पीते घर के हैं और इसलिए मोटापा है। दोस्तों, अगर आपका वजन आपके एक सामान्य स्टैंडर्ड हाइट वेट का जो कंपैरिजन है उससे ज़्यादा है, या आपका बीएमआई 20 से अधिक है या 25 से अधिक है, इसका मतलब आप ओवरवेट है। आपकी बॉडी आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट इस तरह से बनाए गए हैं कि आपके सारे ऑर्गन्स उसी हिसाब से काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी हाइट 5 फुट है और आप एक महिला हैं, तो आपका वेट 45 से 46 किलो, अधिकतम 48 किलो एक स्टैंडर्ड आपकी वेट है। अगर आपका वेट 100 किलो हो जाए, इसका मतलब 50 किलो का बोझ आपके कंधे पर रखा गया है। आपके किडनी को दुगना काम करना पड़ता है, आपके हार्ट को दुगना काम करना पड़ता है, आपके सारे ऑर्गन्स को बहुत ज्यादा लोड पड़ता है और आप बहुत सारे रोगों से ग्रसित होते हैं। आपकी उम्र भी सामान्य लोगों की अपेक्षा कम हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर जाती है। तो मोटापा एक अभिशाप है, लेकिन मोटापा ऐसा रोग भी है जिससे लोग परेशान तो होते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन मोटापे को दूर नहीं कर पाते। तो आज कुछ हम चर्चा करेंगे मोटापे पर, कि मोटापे का कारण क्या है, कैसे इससे बचें, और अगर मोटे हैं तो कैसे रोग को दूर करें, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मोटापे का पहले कारण की बात करते हैं। सबसे पहला कारण है शारीरिक श्रम का अभाव, मेहनत न करना, शारीरिक श्रम न करना। जब आप श्रम नहीं करते हैं, बॉडी में जो आप फूड इंटेक कर रहे हैं, कैलोरीज ले रहे हैं, वो बर्न नहीं होती हैं, वो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट के रूप में, एक्स्ट्रा वेट के रूप में रिजर्व होती जाती हैं और आप मोटे हो जाते हैं। खराब खान पान एक बड़ी वजह है। शारीरिक श्रम अगर आप न करें लेकिन हेल्दी डाइट लें तो आपके मोटे होने के चांस कम हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ऑयली, स्पाइसी या बहुत ज़्यादा जंक फूड का सेवन कर रहे हैं तो आपके मोटे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपका खराब लाइफस्टाइल, देर में सोना, देर में उठना, या फिर इस तरह की और कई दिक्कतें हैं जो आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं, ये आपको मोटा बनाती हैं। हार्मोनल डिसबैलेंस भी एक वजह है। महिलाओं के अंदर में थायराइड की वजह से या कुछ और हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से शरीर में पानी स्टोर होता है या मोटापे की दिक्कत आती है। मोटापे के छोटे छोटे और कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कि अनुवांशिक तौर पर ये दिक्कतें सामने आती हैं। अगर आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली में लोग ओवरवेट हैं तो आपकी ओवरवेट होने के चांस बढ़ जाते हैं। कारण बहुत सारे हैं, बात करूंगा निवारण की, इसका उपचार कैसे किया जाए, दो बातें करूंगा। पहला, बचाव कैसे करें, और दूसरा, उपचार कैसे करें। बचाव बहुत सिंपल है, मैंने शुरू में बताया जो कारण है उनसे बचिए, आप बचे रहेंगे। आप सबसे पहले शारीरिक श्रम करें, 2 से 3 किलोमीटर रोज वॉक करें। अगर आप रेगुलर वॉक नहीं कर सकते तो कोशिश करें कि अपने छोटे छोटे काम, जो आप आस पास में सब्जी लेने जाना या कुछ और काम से मार्केट में जाना, ऑफिस से घर आना या जो भी इस तरह की एक्टिविटी है, वो आप पैदल करें, बाइक कार प्रयोग न करें। कोशिश करें कि पूरे दिन में भले ही टुकड़े टुकड़ों में आप 2 से 3 किलोमीटर चल सकें। ये हेल्प करेगा आपको न सिर्फ मोटापे से बचाने में बल्कि कई रोगों से दूर रहने में, रखने में। इसके अलावा अपने खान पान को संयमित करें, कंट्रोल थोड़ा डाइट लें, आप थोड़ा सा बचें जंक फूड से,
स्पाइसी खाने से बचें, ज़्यादा ऑयली खाने से बचें, ये बहुत हेल्प करेगा आपको हेल्दी रखने में। हेल्दी डाइट को प्रायोरिटी दें, ये आपके मोटापे के लिए बहुत ही फायदेमंद है। स्प्राउट्स का सेवन करें, आप अंकुरित अनाजों का ज़्यादा सेवन करें, फलों सब्जियों का ज़्यादा सेवन करें, ये मोटापे से दूर रखने में हेल्प करेगा। आप ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो वेट बढ़ाने में मदद करती हैं, जैसे बीपी की, डिप्रेशन की दवाइयाँ, हार्मोन डिसबैलेंस पैदा करके आपका वेट वजन को बढ़ाती हैं। ऐसी दवाइयाँ आप खाते हैं तो उससे आप बचें और उन समस्याओं का निदान आप घरेलू उपचार या आयुर्वेद से करने की कोशिश करें। ये कुछ तरीके हैं जिससे मोटापे से बच सकते हैं। लेकिन अब सबसे मेन मुद्दा, हम मोटे हैं तो क्या करें? मोटे लोगों का वेट कम करना एक बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं है। अगर आप सही ढंग से डाइट और लाइफस्टाइल को फॉलो कर लें तो आप बहुत ही आसानी से अपना वेट कम कर सकते हैं। बहुत सारे घरेलू उपचार जो आपने सुना है, देखा है ना, जैसे कि आपने सुना शहद और नींबू पानी सुबह खाली पेट ले, या बहुत सारे और इस तरह के छोटे मोटे घरेलू उपचार हैं जिनका मोटापे के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, मैं उसकी बात ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊँगा जिससे आप बहुत आसानी से मोटापे को दूर कर सकते हैं। एक प्रूवन तरीका जिससे आज तक हजारों लाखों लोगों ने अपना वेट कम किया है और अपना वजन कम करके एक स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं, और उस तरीके का नाम है बीके आरोग्यम का वेट कंट्रोल पैकेज। दोस्तों, वेट कंट्रोल पैकेज एक सिस्टम है, एक पूरा पैकेज है जिसको पिछले 15 से 20 सालों के रिसर्च के बाद डेवलप किया गया है। ये पैकेज में एक पाउडर होता है, वेट कंट्रोल पाउडर, वेट कंट्रोल 1, साथ में वेट कंट्रोल 2 और एक वेट कंट्रोल टैबलेट। ये एक पूरा कंप्लीट पैकेज है जो हेल्प करता है वेट को कम करने में। वेट कंट्रोल 1 सबसे पहला काम ये करता है कि आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है। दोस्तों, मेटाबॉलिक रेट क्या होती है? जब आप यंग होते हैं, युवा होते हैं, आप ज्यादा भोजन करने के बाद भी मोटे नहीं होते क्योंकि आपकी मेटाबॉलिक रेट हाई होती है। आप ज्यादा हैवी डाइट लेने के बाद भी स्लिम बने रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपकी मेटाबॉलिक रेट डाउन होने लगती है, फिर आप कम भोजन करके भी मोटे होते चले जाते हैं। कई मुझे मोटापे से परेशान लोग मिलते हैं जो बोलते हैं, सर मैं सिर्फ 2 रोटियां खाता हूं पूरे दिन में, फिर भी मेरा वेट बढ़ता जा रहा है। रीजन वही है, वेट कंट्रोल 1 क्या करता है, आपके मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है। इसका मतलब अगर आपने कोई एफर्ट किया, कोई एक्सरसाइज किया, वॉकिंग की और 10 कैलोरी खर्च किया तो आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक रेट जब बढ़ जाएगी तो उस 10 कैलोरी के बजाय 50 या 100 कैलोरी खर्च हो पाएगी। यानी अपने युवावस्था के दिनों की तरह आप ज्यादा डाइट लेके भी मेंटेन रह पाएंगे, वेट को कंट्रोल कर पाएंगे। वेट कंट्रोल 2 शरीर में जमा हुए फैट को बर्न करना शुरू करता है, हेल्प करता है, और बॉडी से निकालने में हेल्प करता है थ्रू यूरिन या पसीने के माध्यम से। वेट कंट्रोल कैप्सूल हेल्प करता है वेट को कम करने के साथ साथ वेट कम करने से जो दिक्कतें बॉडी में होती हैं, स्किन का लूज होना, स्किन का लटक जाना या और इस तरह की दिक्कतें, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। हाई न्यूट्रिशन वैल्यू की वजह से बॉडी में डाइट के दौरान जो आपकी न्यूट्रिशन की कमी होती है उसको पूरा करने में हेल्प करता है। आपकी स्टेमिना, आपकी एनर्जी को इंक्रीज करके ओबेसिटी को दूर करना, मोटापे को कम करना, बगैर कमजोरी, बगैर वीकनेस, बगैर साइड इफेक्ट के, इसमें ये हेल्प करता है। तो ये कंप्लीट पैकेज वेट कंट्रोल 1, वेट कंट्रोल 2 और वेट कंट्रोल कैप्सूल एक प्रूवन साइंटिफिक सिस्टम है जो हेल्प करता है आपके मोटापे को दूर करने में। दोस्तों, जब आप बीके आरोग्य में कॉल करते हैं, बात करते हैं, तो हमारे इंस्टीट्यूट न सिर्फ आपको ये पैकेज प्रोवाइड करते हैं बल्कि साथ के साथ आपको आपके एज के अकॉर्डिंग, आपकी फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग, आपके जेंडर के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर डाइट चार्ट प्रोवाइड करते हैं। करने वाले साथ में एक्सरसाइज या थेरेपीज का सिस्टम बताते हैं, एक कंप्लीट लाइफस्टाइल बताते हैं जिससे आप मोटापे को दूर कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। अगर आप मोटापे के लिए जल्दी आराम चाहते हैं, फास्ट रिलीफ चाहते हैं, आरोग्य धाम जो कि हमारा एक ट्रीटमेंट का सेगमेंट है, वहां पर आप 10 से 15 दिन का एक एडमिट प्रोसेस भी ले सकते हैं, जहां पे हम इन हाउस आईपीडी में आपको एडमिट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं और 10 से 15 दिनों में तेजी से आपका वेट हम कम करना शुरू करते हैं, वेट और फैट लॉस आपका स्टार्ट करते हैं, इंच लॉस स्टार्ट करते हैं। तो दोनों रास्ते हैं, घर बैठे भी उपचार हो सकता है और हमारे सेंटर पे भी आप आके उपचार ले सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं,
आप या आपके फैमिली में कोई भी व्यक्ति मोटापे से पीड़ित है तो उस तक वीडियो जरूर पहुंचाएं। आशा है मोटापे को दूर करने में इसे हेल्प मिलेगी। थैंक यू, नमस्कार।